बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्रीन जॉब। सो आज की स्टूडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 30 सितंबर 2021 को हुकूमत पाकिस्तान और इसके अलावा प्राइवेट मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जो वो शानदार वैकेंसी के अनाउंसमेंट जो वो की गई है। मल्टीपल डिपार्टमेंट है, बहुत ही ज़्यादा तादाद में। सो मैं आपको वन बाय वन करके सभी डिपार्टमेंट की जो वो डिटेल्स बताऊँगा और आपको बताऊँगा कि आपने इनमें अप्लाई कैसे करना है, इनकी जो तफसीलात है उनको जानना कैसे। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो लाजमी आती है जिसमें उस दिन की आने वाली जितनी भी वैकेंसीज आई होती हैं उनकी मुकम्मल अपडेट देता हूँ ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज्यादा नौकरी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। सो अगर आप मजीद भी ऐसे ही वीडियोस को जो देखना पसंद करते हैं और जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ग्रीन जॉब्स ऑफिशियल को जो है सब्सक्राइब करें, लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस कर लो। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक लाजमी से करो और मैं एक वीडियो में हर वीडियो में एक चीज कहता हूँ कि इस वीडियो को शेयर किया करो फेसबुक पर, मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पर। इससे ये होगा कि हो सकते हैं कि आप इन जॉब्स में एलिजिबल ना हो और अप्लाई ना कर सके, लेकिन आपके शेयर करने से आपके कई दोस्त इनमें अप्लाई कर लें। अब जो जॉब्स हैं उनकी तफसीलात को जान लेते हैं। तो इनकी तफसीलात को जानने के लिए सबसे पहले आपने गूगल ओपन करने, किसी भी ब्राउजर में ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर टाइप करना है ग्रीन जॉब्स 9, GREEN ग्रीन JOBS जॉब्स 9, ठीक है। स्पेलिंग आपने चेक कर लेना है ग्रीन जॉब्स 9। जैसे आप सर्च करोगे उसके बाद सबसे पहले ये वाली वेबसाइट जो होगी greenjobs9.com, ये हमारी ही वेबसाइट है और इस वेबसाइट को आपने कर लेना ओपन। ओपन करने के बाद ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। सिंपल आपने स्क्रॉल ऑन करते जाना है और यहाँ पर देखिए ऑल लेटेस्ट जॉब्स अपडेट वाले बॉक्स में आपको पोस्ट शो होंगी। यहाँ पर देखिए नीचे डेट शो हो रही है, देखिए September 13, 2021, ठीक है। 30 सितंबर की ये वैकेंसीज है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज जॉब्स 2021, ठीक है। जो लोग इनमें अप्लाई करना चाहते हैं, इनकी तफसीलात को जानना चाहते हैं, आपने सिंपल करना है क्या, इसको ओपन कर लेना है। मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको बता दूँ कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है, बाद में आपको बताता हूँ कि आपने इनकी डिटेल्स कैसे रीड करनी है, ठीक है। बाकी हमारी वेबसाइट पर हर चीज़ अवेलेबल होती है, ठीक है। सो यहाँ पर सेकंड नंबर पर जो वैकेंसीज है वो भी वापटा की ही है, जो कि वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी की है, ठीक है। नंबर 3 पर है HEC जॉब्स September 2021, ये HEC यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन की वैकेंसीज है। उसके बाद नंबर 4 पर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंजेस MOCC की, ठीक है। इनमें कुछ वैकेंसीज हैं जिनकी आज अनाउंसमेंट हुई और कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं जो कि ओल्ड है बट उनमें अभी तक भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लास्ट डेट वगैरह भी अभी बाकी है, आप अप्लीकेशन वगैरह जो अपने जमा करवा सकते हो, वो आगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद NLC की वैकेंसीज हैं, ठीक है। उसके बाद FWO यानी कि फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंसीज हैं, ये भी 30 सितंबर की इनकी लेटेस्ट अपडेट दी जा रही है। उसके बाद पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की वैकेंसीज हैं, इनमें भी 30 सितंबर लेटेस्ट अपडेट है, ठीक है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ MOITT की वैकेंसीज हैं, ठीक है। उसके बाद नादरा की वैकेंसीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की वैकेंसीज हैं। उसके बाद फिर नादरा लाहौर की वैकेंसीज हैं, ठीक है। उसके बाद नादरा की वैकेंसीज हैं क्वेटा वालों के लिए। और उसके बाद ये जो नीचे वैकेंसीज हैं ये 29 सितंबर की हैं बट आप इनमें भी अभी तक अप्लाई कर सकते हो। अब ये जो वैकेंसीज मैंने आपको बताई हैं, आप इनमें से जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं आपने सिंपल करना क्या है, उसी पोस्ट पर क्लिक कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ PAEC की वैकेंसीज को या NLC की वैकेंसीज को मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। सिंपल आपने उस पर क्लिक करके ओपन करना है जिस पोस्ट में भी आप अप्लाई करना चाहें। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप वन बाय वन करके सभी को चेक कर कीजिएगा, जिसमें आप एलिजिबल हो आप अप्लाई कर दीजिएगा। अब इसमें देखें लेटेस्ट अपडेट 30 सितंबर है, लास्ट डेट 30 अक्टूबर है, ठीक हो गया। NLC की वैकेंसीज है, लोकेशन है पंजाब, ठीक है। इसमें आप ऑल पंजाब से अप्लाई कर सकते हो। मिडल और मैट्रिक तालीम होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। नीचे आ जाते हैं तो देखिए नेम आप पोस्ट लिखे हुए ड्राइवर की, क्योंकि मिडल और प्राइमरी वालों के लिए पोस्ट है तो ड्राइवर होना लाजमी, ड्राइवर की पोस्ट है मिडल और मैट्रिक वालों के लिए, ठीक है। इसमें आपका जो वो लाइसेंस वगैरह भी होना चाहिए। नीचे लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई फॉर NLC जॉब, ये हर वैकेंसीज में इसी तरह ही है, सेम प्रोसेस होता है जिसमें अप्लाई का मुकम्मल तरीका आपको बताया जाता है। तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाना है, इंटरव्यू का मेन एड्रेस जो वो इनके एडवर्टाइजिंग पेपर पर अवेलेबल है, ठीक है। तो ये एडवर्टाइजिंग पेपर है, इसमें बताया गया है कि उम्र की हद क्या होनी चाहिए और उसके बाद तनख्वाह वगैरह कितने किलोमीटर के मुताबिक आपको अलाउंस दिया जाएगा, महाना कैश रिवार्ड, सालाना बोनस, इजाफी मराहत, तिबी सहूलियात वगैरह ये यहाँ पर लिखी हुई है। सो आप वन बाय वन करके सभी जॉब्स को इसी तरह चेक करें जिसमें भी आप एलिजिबल अप्लाई करते जाएं। सो आपको उम्मीद करता हूं कि आपको जॉब लाजमी से मिल जाएगी। सो अगर आप इनमें अप्लाई ना भी कर पाए तो फेसबुक मैसेंजर व्हाट्सएप के यहां पर ऑप्शन अवेलेबल है, ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग करें ताकि हो सकता है कि आपके शेयर करने से आपके कई दोस्त इससे फायदा उठा सके। सो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं किसी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।